Well, a very beautiful good morning to you all, dear children. I'm Asis sir, and welcome back to online classes. Today we will complete a lesson wise, active and passive, right? And just you have to listen very carefully to my words. Clear? Let's begin. सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कौन से टेंसेज के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं, राइट? तो आप फटाफट अपने जस्ट यू हैव टू ओपन योर नोटबुक एंड नोट डाउन, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीन टेंसेस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। उसके साथ साथ आप तो ये समझे तीनों फॉर्म के टेंस के जो तीनों फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों फॉर्म के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। और उसके अलावा एक और है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसका भी कभी नहीं बनाया जाता है। एनी डाउट? आई थिंक यू हैव नॉट एनी डाउट, राइट? नाउ बैक टू द पॉइंट एंड लेट्स बिगिन एंड आवर टूडेज फर्स्ट टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? फर्स्टली यू हैव टू ऑब्जर्व सम सेंटेंसेज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बहुत क्लियर? सो जस्ट यू कैन सी हियर, I had sold my cow. First sentence, active voice. I had sold my cow. As you know that V3 had plus V3 is used in past perfect tense, right now? And what's the structure of past perfect tense? Subject plus, had plus, V3 plus, object. This is structure one, means affirmative or positive structure of past continuous, sorry, past perfect tense, right? Second sentence is they had wasted money. Third one is he had not fed the poor. Fourth one, had you kept your promise? And next, who had sung a sweet song? Clear? What had they done to help you? आप यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें ऑब्जर्व करो, हैड प्लस V3 लगाइए, ये स्ट्रक्चर होता है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का। आपको मैं बताया था कि दो जगह V3 एकदम आपका नेसेसरी है, लगाना ही है किसी भी कंडीशन में, कहाँ पे, एक परफेक्ट टेंस में और एक पैसिव फॉर्म में, राइट? यहाँ पर तो दोनों में सेम होगा, V3 का ही यूज़ होगा, बट बस एक चेंजिंग कर देना, एकदम ईजी है, एकदम ईजी तरीका है, एक आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? बस आपको कुछ नहीं करना है, हेड के बाद बीन लगा देना है, बाकी सारा सेम रहेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये तो पता है ही, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो पैसिव में होता है उससे जस्ट पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव के पहले बाय का यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ देखो, सब्जेक्ट आई हैड सोल्ड माई कार, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया V3 मेन वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जो क्या करते हैं, पहले ले लाते हैं पैसिव वॉइस में, क्या हो जाए पैसिव फॉर्म में, माई काउ हो गया, माई काउ, क्लियर? अब उसके बाद सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब पर पास्ट परफेक्ट में यूज़ होते हैं, हैड ओनली, कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होगा, राइट ना? सिर्फ हैड का ही यूज़ करना है विद ऑल सब्जेक्ट्स, राइट? तो माई काउ हैड, अब क्या करना है कि पैसिव में हैड के बाद बीन यूज़ कर देते हैं, तो हैड बीन, मेन वर्ब क्या है, सोल्ड है, सोल्ड यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, बाय मी, आई का पास ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। व्हाट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ आई, मी। व्हाट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ ही, हिम। ऑब्जेक्टिव ऑफ सी, हर। ऑब्जेक्टिव ऑफ दे, देम, राइट? ऑब्जेक्टिव ऑफ वी, अस। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? फिर से आप समझो, आई का ऑब्जेक्टिव मी, ऑब्जेक्टिव ऑफ दे, देम, ऑब्जेक्टिव ऑफ ही, हिम, राइट? यू, नो चेंज। ऑब्जेक्टिव ऑफ सी, हर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ना, एकदम छोटे छोटे से पॉइंट को हम लोग नोट डाउन करेंगे और मन से एकदम स्टडी करेंगे,
कोई एक्टिव पैसिव से बच्चे भागते हैं, नरेशन और वॉइस वगैरह से उनको लगता है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन डीप में जाके स्टडी करोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट ना? आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टेड टॉपिक ये बन जाएगा, क्लियर? तो आप एकदम अच्छे से स्टडी करो। यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट? नो डाउट ना? तो द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट नाउ क्लियर? इफ समवन आस्क यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, देन यू विल हैव टू टेल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? वंस अगेन, व्हाट्स द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? जस्ट टेल मी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? एंड पैसिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल, वेरी क्लियर, राइट? यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? व्हाट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ आई? मी. ऑब्जेक्ट ऑफ दे? देम. ऑब्जेक्ट ऑफ ही? हिम. ऑब्जेक्ट ऑफ यू? नो चेंज, नो चेंज ना? ऑब्जेक्ट ऑफ दे? देम. ऑब्जेक्ट ऑफ सी? हर. ऑब्जेक्ट ऑफ वी? अस. क्लियर? एकदम छोटे छोटे एक एक टॉपिक को, एक पॉइंट को आप 5 बार स्टडी करो, 10 बार स्टडी करो, क्यों नहीं वो होगा, आपके माइंड में जरूर आ जाएगा वो। और एक बार आया ना तो कभी भूलोगे नहीं आप, अगर अच्छे से स्टडी करोगे तो, राइट? नेक्स्ट वन इज व्हाट हैड दे डन टू हेल्प यू? व्हाट हैड बीन डन बाय देम टू हेल्प यू? ओनली बीन इज यूज, सॉरी, वन ओनली बीन, इंक्लूडिंग इन पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म। द फार्मर हैड नॉट सोन द क्रॉप, द क्रॉप हैड नॉट बीन हियर, बीन इज यूज इन पैसिव फॉर्म, राइट ना? शॉन बाय द फार्मर, क्लियर? इन पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर? एनी डाउट? सिर्फ बिन ही एक्स्ट्रा है ना इसमें, बाकी सारा तो सेम है। ये तो बहुत ईजी है, सिर्फ बिन का यूज़ कर देना है। अच्छा, बिन का यूज़ करेंगे कहाँ, अब ये भी आप समझ लो, राइट ना? जैसे अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट के बाद बिन का यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव हो तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तब बिन लगाओगे, है ना? एनी डाउट? नो डाउट? जैसे यहाँ पे देख लो आप, इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे क्या है, हैड का यूज़ हुआ है प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 का यूज़ हुआ है, तो यहाँ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे जो आपका आपका मेन वर्ब है, इसके बाद बीन का यूज होगा, है ना? प्रॉमिस, योर प्रॉमिस, सॉरी सब्जेक्ट, ये योर प्रॉमिस सब्जेक्ट आपका हो गया ना, और मेन वर्ब आपका क्या हो गया, केप्ट हो गया। तो यानी कि हैड प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा और सब्जेक्ट होगा तब बीन का यूज होगा। आप ये समझो कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही बीन का यूज होगा, चाहे कोई भी टेंस आप करें, है ना? अगर अरे कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या होगा, जैसे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऊपर में देखते हैं, यहाँ देखिए, आई हैव सोल्ड माई काउ, ठीक है, दे हैड वेस्टेड मनी, ये क्या है, अफर्मेटिव है ना, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में किसके बाद, हैड के बाद बीन लगाया है। बट अगर यहाँ पे नॉट का नोट लगा रहे हैं, निगेटिव रहे तो नॉट के बाद हम लोग बीन का यूज़ करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव रहे तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग बीन का यूज़ करते हैं, राइट? एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये तो समझ में आ गया इसका क्या होता है, हैड प्लस भी3 है ना, हैड प्लस बीन प्लस भी3 इसमें पैसिव में और हैड प्लस भी3 एक्टिव में। एनी डाउट? नो डाउट? एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स एक्सरसाइजेस, चेंज इन टू पैसिव वॉइस, राइट ना? द चाइल्ड हैड ब्रोकन माई पैन, आई हैड किक्ड द बॉल वेरी हार्ड, द गार्डनर
had plucked rose flower for me. Kalidasa had written many dramas. Had you given him a hearty send-off? Why had the laborers struck work? They had not laid out a small garden. Sardar Patel had made a fiery speech. Change to active voice. A new fountain pen had been bought by me. My name had been forgotten by her. By whom had the pal been lifted out of water? Had Bob been beaten black and blue by Tom? My fountain pen had been stolen. Which house had been set on fire by the mob? Had all the provisions been used up by the cook? Had it been managed by you? Where from had this telegram been sent to you? Had the crow not been deceived by the cunning fox? राइट, इस तरह से वीडियो पॉज करके 14 सेंटेंसेज आपको नोट डाउन कर लेने हैं. चले नेक्स्ट स्ट्रक्चर, फ्यूचर इंडिफिनिटिव टेंस. राइट ना, ऑब्जर्व एक्टिव वॉइस ही विल डू. आप जानते हो ना फ्यूचर इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होता है? इसमें होता है आपका सैल विल, और सैल विल के बाद वी वन का यूज होता है ना, यानी सब्जेक्ट प्लस सैल या विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है. ठीक है, He will do it. I shall buy a camera. इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाना ही है. इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देना है. यदि आई और वी रहे तो उसके साथ सेल, अदरवाइज विल का यूज होगा. राइट, तो यहाँ पे इट विल और उसके बाद बी लगा देना है, और भीतरी का तो यूज होता है. यानी कि इसका आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. ये हो गया पैसिव स्ट्रक्चर किसका? ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस. राइट, ही विल डू इट, इट विल बी डन बाय हिम. समझ में आ रहा है ना, डू का भीतरी डन. आई शैल बाय अ कैमरा, अ कैमरा यहाँ पे विल का यूज हुआ. क्यों? क्योंकि कैमरा क्या है? आई और वी है क्या? नहीं ना, तो और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या, अभी हम क्या बताएं कि आई और वी को छोड़कर और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है. यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सिर्फ सब्जेक्ट पे नोटिस करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट क्या है? अ कैमरा, तो इसके साथ विल लगेगा. राइट, और विल के बाद बी, फिर वी थ्री. हमेशा पैसिव फॉर्म में वी थ्री का यूज होता है. मैं बार बार एक वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ, पैसिव फॉर्म में किसका यूज होगा? हमेशा वी थ्री का यूज होगा. Only third form of verb is used in passive form. Right? Next one. You will not recite this poem. This poem will not be. यहाँ पे भी लग गया ना, बी और विल के बीच में नॉट लगता है. ठीक है, विल से ड्रॉ अ पिक्चर, विल अ पिक्चर बी, सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे. Who will pay your fine? By whom will your fine be paid? Who will pay your fine? Who will pay your fine? By whom will your fine be paid? समझ में आ रहा है, भीतरी पे का भीतरी क्या होता है? पैड होता है. इसके बाद भी ले आएंगे हम लोग सब्जेक्ट के बाद. राइट, When will he lend us money? अच्छा, क्वेश्चन वर्ड रहे तो सबसे पहले इसमें, जैसे क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं तो इसमें भी पहले ही ले आएंगे. When का जो है वो इसमें भी when ही रहता है, लेकिन अगर who कहीं रहे तो आपको आंख बंद करके by whom का यूज कर देना है. किस में? पैसिव वॉइस में. Will she not wear a saree? Will a saree not be? Be किससे पहले? सब्जेक्ट के बाद और not के भी बाद be का यूज. चलो, इस तरह से ये था हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर. बहुत इजी है. फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हम लोग पैसिव वॉइस में किसका यूज़ करते हैं? विल प्लस बी, बी प्लस भीतरी, है ना. चलिए, हियर एक्सरसाइजेस आर गिवन. चेंज टू पैसिव वॉइस एंड राइट नाउ. बॉयज विल फ्लाई काइट्स इन द प्लेग्राउंड. होम विल यू टीच इंग्लिश. व्हेन विल यू हैव योर लंच. राइट, इसको पॉज करके और सारे सेंटेंस को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करोगे और फिर आप इसे करोगे. राइट ना.
वेल डन। नेक्स्ट चेंज टू एक्टिव वॉइस, राइट, ये एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पीछे वाले को पैसिव में चेंज करना था, आपको तो पता हो गया है ना सारा, राइट। अगर आप कोई भी डाउट कर, आपको थोड़ा सा भी 1% भी अगर डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके उसका आंसर आप ले सकते हो, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, राइट। यू कैन टॉक ऑन कॉल, नोट डाउन ऑल द सेंटेंसेज, द मैटर विल बी लॉक्ड इनटू बाय द चेयरमैन एंड इट्स कॉस्ट विल बी ब्रॉन बाय देम। नेक्स्ट वन थर्ड सेंटेंस इज बाय होम विल यू गिव एन अ वार्निंग, दिस हैप्पी डेज शैल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, राइट। फर्स्टली यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इन कॉपी इन योर नोटबुक, राइट। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, राइट, इन वॉइस, क्लियर, एक्टिव वॉइस। सी विल हैव ओपन ओपेंड आई स्कूल, आई शैल हैव पेंटेड अ पिक्चर, राइट। हियर यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एज यू नो दैट ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन ऑल फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेंस, राइट, क्लियर, सच एज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर सब्जेक्ट प्लस हैव विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। एंड इन पैसिव फॉर्म इट विल बी सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, राइट ना। बस कुछ नहीं करना है, बीन का यूज कर देना है सिर्फ, समझ में आ रहा है ना। परफेक्ट में, पिछले परफेक्ट में भी हम लोग बिन का यूज़ किए थे, इसमें भी बिन का यूज़ कर देंगे, क्लियर। यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट प्लस विल का यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है, बिन का यूज हुआ है, भी थ्री बाय प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और ऑब्जेक्ट आप जान ही रहे हो, सी का ऑब्जेक्ट हर, आई का ऑब्जेक्ट मी, क्लियर। शी विल हैव ओपन अ स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्कूल है, स्कूल को कहाँ हम ले लाए भाई, अ स्कूल, यहाँ पे अ स्कूल सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद विल हैव बीन ओपन बाय हर, आई शैल हैव पेंटेड अ पिक्चर, अ पिक्चर शैल हैव बीन पेंटेड बाय मी, राइट। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स, दे विल हैव बॉट अ गुड रेडियो सेट, अ गुड रेडियो सेट विल हैव बीन बॉट बाय देम, हु विल हैव डन दिस जॉब, बाय हुम विल दिस जॉब हैव बीन डन, By will he have missed the train? Why will the train have been missed by him? Right. Clear? Any doubt? Clear? Well done. Been का सिर्फ इसमें extra use होता है ना, additional इसमें, इसके structure और इसके structure में बस एक ही difference है, क्योंकि perfect में तो V3 already use होते हैं ना, तो उसका passive बनाना बहुत आसान रहता है, सिर्फ been लगा के आप उसको बना दो, बाकी सारा रूल्स आपको पता है ही, राइट। चलिए, तो ये था लास्ट फॉर्म, दिस वाज द लास्ट फॉर्म ऑफ द टेंस, राइट। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये ऐसे चार होते हैं, सिर्फ 8 फॉर्म के ही पैसिव बनाए जाते हैं जो हम लोग स्टडी कर लिए, राइट। लेट्स टेक एक्सरसाइजेस, चेंज टू पैसिव वॉइस, ही विल हैव डन द वर्क वेल
एंड वी शैल हैव रिटन लेटर टू योर फ्रेंड्स। अच्छा, एक ही बार आपको ऐसा लगता होगा ना कि ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो इसको एक काम करना, 1 day, 2 days, 3 days ऐसे करके 2 से 3 days में सारा वर्क को आप कंप्लीट करोगे, राइट। हालांकि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आपको नहीं है, ज़्यादा वर्क भी नहीं दिया जा रहा है। यू कैन डू दिस ऑल वेरी वेल, बट फर्स्टली यू शुड डिटरमाइन फॉर दिस, राइट। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना है ना आप, रिविजनल एक्सरसाइजेज और फ्यूचर टेंस, राइट। चेंज द वॉइस, क्लियर, इसको भी आप नोट डाउन कर लोगे। दैट्स ऑल, आज हम लोगों ने स्टडी किया, क्या क्या स्टडी किया, याद है? टेल मी, एंड जस्ट यू हैव टू लर्न ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट I have given to you, clear, and let's see revisional exercises of future tense, right? Video pause कर करके और आप clear करोगे सारे sentences को, right? Thank you so much. I hope कि आप घर पे बहुत, आपका health अच्छा होगा, आप अच्छे से रह रहे होगे और protection के साथ रह रहे होगे, right ना? और अच्छा फील कर रहे होगे, मन भी लग रहा होगा फैमिली के साथ। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।